छांदोग्योपनिषद सामवेदी या छांदोग्योपनिषद, उधर द्वितीय अध्याय षोडश खंड, तत्र उधर वैराज साम की उपासना, हिंदी सरलानुवाद मूलमंत्र सहित। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। वैराज साम की उपासना। वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीत शरत् प्रतिहारो हेमंतो निधनमेतद्वैराजं ऋतुषु प्रोतम। वसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है, हेमंत निधन है, यह वैराज साम ऋतुओं में अनुस्यूत है। सज एवमेतद्वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजजा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजजा पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या। ऋतून् न निंदेत तद्व्रतम्। वह पुरुष जो इस प्रकार इस वैराज साम को ऋतुओं में अनुस्यूत जानता है, प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण शोभित होता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है, ऋतुओं की निंदा न करे, यह व्रत है। अथ सप्तदश खंडः शक्वरी साम की उपासना। पृथिवी हिंकारो अंतरिक्षं प्रस्तावो द्यौरुद्गीथो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेता शक्वरीयो लोकेषु प्रोताः। पृथ्वी हिंकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, द्युलोक उद्गीत है, दिशाएं प्रतिहार है और समुद्र निधन है, यह शक्वरी साम लोकों में अनुस्यूत है। सज एवमेता शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या लोकान्न निन्देत तद्व्रतम्। वह पुरुष जो इस प्रकार इस शक्वरी साम को लोकों में अनुस्यूत जानता है, लोकवान होता है, वह संपूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है, लोगों की निंदा न करे, यह व्रत है। अष्टादश खंडः। रेवती साम की उपासना। अजाहिंकारो अवयः प्रस्तावो गाववुद्गीतो अश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः। बकरी हिंकार है, भेड़े प्रस्ताव हैं, गौएं उद्गीत हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है, यह रेवती साम पशुओं में अनुस्यूत हैं। स एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान् भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजजा पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या पशून्न निन्देत तद्व्रतम्। वह पुरुष जो इस प्रकार इस रेवती साम को पशुओं में अनुस्यूत जानता है, पशुमान होता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है, पशुओं की निंदा न करें, यह नियम है। इति छांदोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये अष्टादशखण्डं समाप्तं, संपूर्णं। हिंदी सरलानुवाद समाप्त हो गया।
एकोनविंश खंड अगले देखेंगे। हरे राम। सद्गुरुचरणार्पितमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शंकरार्पितमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। ओं तत्सत्। सज्जनास्सन्तु निर्भयाः। हरिः। ओं तत्सत्।